बीजेपी बूथ सम्मेलन में योगी शाह करेंगे शिरकत। लोकसभा चुनाव का समय करीब आने के साथ ही अब राजनीतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है, जिसके मद्देनजर अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का कार्यक्रम 6 फरवरी को होने जा रहा है, जिसको लेकर आज बीजेपी के ब्रज प्रांत अध्यक्ष रजनीकांत ने अलीगढ़ आकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में जिले में 26,690 बूथ हैं। बूथ सम्मेलन में भाजपा की 17 इकाइयों के बूथ प्रभारी, बूथ अध्यक्ष सहित करीब 40,000 कार्यकर्ता होंगे शामिल। इस सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केशव मौर्य, प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय सहित भाजपा के दिग्गज नेता बूथ सम्मेलन में शिरकत करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को मजबूत और सफल बनाने के लिए मंथन होगा। भाजपा को आगामी चुनाव में विजयी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को गुर दिए जाएंगे। वहीं रजनीकांत माहेश्वरी ने कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों पर निशाना साधा। इधर सपा बसपा गठबंधन पर भी चुटकी ली। वहीं अमू में गत दिनों तिरंगा यात्रा को लेकर कहा, यात्रा तो निकलती ही रहेंगी। एएमयू में भगवा जलाने की चेतावनी देने वाले पर कहा, जो भी भगवा जलाएगा जेल जाएगा। एक ही विषय है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई यहाँ पहुँच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ साथ होंगे। पार्टी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन है, उसमें कार्यकर्ता और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में संवाद होगा। पार्टी के नीचे तक की स्थिति के बारे में हम सब लोग चिंतन करेंगे। नीचे क्या जिम्मेदारी कार्यकर्ता के पास है, हमारा जनाधार कार्यकर्ता का कैसा है और कार्यकर्ता के मध्य संवाद जनता के बीच में कैसा है, पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनको नीचे तक पहुंचाने की जो हमारी योजना है उनका प्रतिशत क्या है, इन सब विषयों पर वहां संवाद होगा, बातचीत होगी। यही विषय गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? गठबंधन के बारे में मैंने बताया कि ये जितने भी समाजवाद, अन्नावाद, आम आदमी पार्टी ये सब उससे निकली हैं, गठबंधन का कोई अर्थ नहीं है। जैसे मैंने बताया कि गठबंधन तो ऊपर वाला तय करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन बना है वो मोदी के डर से बना है, उसका कोई अर्थ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से घबराने वाली नहीं। कोलकाता धरने पे बैठ गई है, उसको लेके क्या कहेंगे? बैठ जाए, ये वो कानून का उल्लंघन कर रही है, ये नहीं करना चाहिए। ब्रज क्षेत्र में टोटल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं जिसके लोग यहाँ आ रहे हैं? 13 लोकसभा क्षेत्र। क्या टारगेट होगा आप लोग यहाँ कार्यकर्ताओं को, क्या लक्ष्य देंगे, कितना जीतने का? 13 में से 13 लिख लेना, रजनीकांत माहेश्वरी ब्रज प्रांत के अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं, 13 में से 13, पहले 10 थी अब 13 आएंगे।